अभी हम लोग बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। बैठ जाए सभी लोग, दोनों हाथ को जगहों पे रखेंगे और घुटने के बल फिर हम लोग खड़े हो जाएं। इस प्रकार से घुटना में थोड़ा सा फासला कर लें, 2-3 इंच का, और एड़ी को भी थोड़ा सा खोल दें बाहर से। और अभी हम लोग आसन करेंगे, दोनों हाथों को बारी बारी, दाहिने हाथ को छाती पर और बाएं को उसके ऊपर रख लें। अर्धचंद्रासन की स्थिति बनाएंगे और सांस को भरते हुए कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे और पीठ को पीछे ले जाएंगे, गर्दन को पीछे झुकाएंगे। करिए सब लोग इस प्रकार। धीरे धीरे सांस को सामान्य स्थिति में लाते हुए आप सीधे हो जाएं। एक बार और करिए। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है, इसको आप लोग 2-3 बार प्रतिदिन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अभ्यास करेंगे हम लोग, इसका हाथ को बदल देंगे, जो हाथ नीचे उसको ऊपर करें, ठीक है। ऐसे करें और इस पर धीरे धीरे सांस को भरते हुए बीच में जाता है। ओम बेटा, छोड़ दो।